एमडीएच और एवरेस्ट मसालों में कीटनाशक की खबरों ने हर किसी को डरा दिया है। हांगकांग और सिंगापुर में कुछ मसालों में हानिकारक केमिकल मिलने की रिपोर्ट सामने आई है और अब भारत में भी जांच होने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि कुछ सैंपल्स में इथिलीन ऑक्साइड मिला है। यह कैंसर की पैदा करने वाला टॉप लेवल पेस्टिसाइड माना जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर मसालों में ऐसे केमिकल्स क्यों मिलाए जाते हैं और ये आपके शरीर को किस तरह नुकसान पहुंचाता है। हांगकांग के सेंट्रल फूड सेफ्टी CFS अथॉरिटी ने स्टॉक्स में कुछ मसालों के सैंपल लेकर जांच किए। दावा किया कि इनमें एथिलीन ऑक्साइड माया गया है। जिन मसालों का नाम सामने आया उनमें एमडीएच का मद्रास करी पाउडर, सांभर मिक्स्ड मसाला पाउडर और करी पाउडर मिक्स्ड मसाला, तो वहीं एवरेस्ट का फिश करी मसाला शामिल थे। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर इथिलीन ऑक्साइड की टॉप लेवल का कैंसर पैदा करने वाली केमिकल मानी जाती है। फूड सेफ्टी के नियमों के अनुसार किसी चीज़ में उतना ही पेस्टिसाइड का अंत मिलाकर बेचा जा सकता है जितना खाने में सेफ हो। हालांकि कुछ प्रोडक्ट्स को जल्दी ख़राब होने से बचाने के लिए कंपनियां इनमें ज़्यादा मात्रा में ऐसी केमिकल्स मिला लेती है। एथिलीन ऑक्साइड एक ऐसा पेस्टिसाइड है जिसे खाने में इस्तेमाल करने तक की अनुमति नहीं है। इसे ज़्यादातर फसलों में डाला जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि खाने में एथिलीन ऑक्साइड की थोड़ी भी मात्रा काफ़ी हानिकारक है। हालांकि तुरंत इसका असर नहीं दिखता बल्कि समय के साथ दिक्कतें आ जाती हैं। US नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अनुसार इथिलीन ऑक्साइड से लिम्फोमा और ल्यूकेमिया होने का खतरा ज़्यादा होता है। इसके अलावा पेट ब्रेस्ट के कैंसर भी इस केमिकल की वजह से हो सकते हैं। इथिलीन ऑक्साइड DNA डैमेज करता है जो कैंसर की वजह बन सकता है। रिपोर्ट न्यूज़ PR लाइव पटना।